चलते हैं राजधानी जयपुर। सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। आपके कार्यालय में करोड़ों रुपया मिल जाता है, सोने का बिस्किट मिल जाता है और आप लिपापोती करके एक अधिकारी को टारगेट कर लेते हैं, जबकि उस मंत्रालय के मुखिया आप हैं। आरपीएससी के मेंबर कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार इसलिए किया कि इतने करोड़ रुपया देकर हम मेंबर बने हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जितने मामले दर्ज करता है, अभियोजन स्वीकृति कितने मामलों में आपने दी? बजरी माफियाओं को पनाह किसने दिया? भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह किसने दिया? जहां एंटी करप्शन ब्यूरो उनके ऊपर एक्शन लेता है, मामला दर्ज करता है और आप उस मामले को, फाइल को अपने पास रखे उसको वापस उसी कुर्सी पर बिठा देते हो या उससे क्या है, जनता ये सब जानना चाहती है। आपने हमेशा भ्रष्टाचारियों को पनाह दी है, उनको संरक्षण दिया है और आपकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपको सिर्फ आपने उंगली उठाने का काम किया है, अब राजस्थान की जनता आपके ऊपर उंगली उठा रही है कि आप अब तक ये महाभ्रष्ट सरकार के मुखिया आप हैं। वैसे 24 नामी स्कूलों को जो है नोटिस दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि आरटीए में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ये पहले भी कई सालों से चल रही है लेकिन अब जाके उनको ये कहा गया है कि उनकी मान्यता रद्द की जाएगी, तो किस तरीके से देखते हैं? कहीं कुछ कसर पड़ी होगी। अच्छा होता कि सरकार में बैठते इस प्रकार की चिंता करनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की, बच्चों की शिक्षा की, बच्चों के स्वास्थ्य। और इसी बीच बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान, टिकटों के लिए बायोडाटा देने वालों को लेकर के बड़ा बयान दिया गया है। टिकट मेरे पास नहीं है, बूथ कार्यकर्ता और जनता के पास है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बड़ा बयान। सारी रिपोर्ट दिल्ली के पास है, टिकट आपके घर बैठे आएगा, यह सीपी जोशी ने कहा है। जिनको टिकट देना होगा बीजेपी उनको घर बैठे टिकट देगी, घर बैठे टिकट आएगा, उन्होंने कहा कि टिकट मेरे पास नहीं है। सारी की सारी रिपोर्ट दिल्ली के पास है, यह बड़ी जानकारी। इस वक्त क्या किया ये बताओ, केंद्र की स्कीम को हटा दो, आपने बच्चों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आप अपनी मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए और वो भी उसमें भी आप उसको पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए बच्चे भी और युवा भी और बुजुर्ग भी और किसान भी और महिला भी आपका चरित्र और आपकी चाल ठीक से जानने लगे। सीपी साहब, रथ यात्राएं चलने वाली हैं और काफी दिनों तक चलेगी, तो क्या इस दौरान टिकटों के वितरण का काम या जो स्क्रीनिंग का काम है वो भी डिले होगा इस रथ यात्रा की वजह से? देखिए, जो काम नियत इस समय पर होने हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे, जब समय आएगा तो समय पे वो सारे काम को हम लोग पूरा करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि सभी नेताओं को जोड़ने का आपने कहा है, तो ऐसे में अगर टिकटों की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं रथ यात्राओं पर इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, पहले हो जाएगी। मैंने कहा ना, ठीक नियत समय पर सब काम होगा। बच्चों को इंजेक्शन चाहिए, शिवलिंग लगाए हैं दिल्ली सरकार ने चौराहे पर, उनमें फवारा बना करके बकायदा पानी जा रहा है। फवारा बनाना शिवलिंग में, एक तो वो आस्था के साथ खिलवाड़ है, पानी कौन सा आ रहा है ये भी नहीं पता है,